हल बना रखा है? हे भगवान, क्या हल बना रखा है कॉलोनी का? मैं पीके कक्कड़ इस कॉलोनी का मालिक। भाड़ा मांगते मांगते मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। एक तो इनको घर भाड़े पर दो, फिर इनके पीछे कुत्ते की तरह घूमते रहो। देखो, थाली ऐसे घुमा ली कि जैसे मैं कोई कुत्ता हूं। मैं उसकी थाली पर झपट पड़ूंगा। चिकन, मटन, वाह, चिकन मटन खाने के लिए पैसा है लेकिन भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। ए, तेरी माँ किधर है? बिमला, हे बिमला, अरे नजर नहीं मारेगा तो क्या करूं? बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए पैसा है? एक साल में एक बच्चा पैदा करने के लिए पैसा है लेकिन भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है। मैं तेरा घर वाला। अरे देख, सब लोग देख रहे हैं। अरे वो समझेंगे कि मेरी दो दो बीवियां हैं। अरे तुझको इज्जत इतनी प्यारी है ना, तो भाड़ा मेरे मुंह पर क्यों नहीं मारती? देखिए आप, परेशानी सबको होती है, आपको भी है ना, लेकिन फिर भी आपका भाड़ा टाइम पर आ जाता है। ये क्या, ना तो भाड़ा देती है ना इज्जत देती है। कचरे की तरह मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। बोलो, ये भी कोई सही बात है क्या? टाइम लगेगा। अरे गाड़ी पर कलर करने वालों के हाथ में कॉर्डलेस। अरे मकान का किराया दिया है, लाइट का बिल कौन देगा 2 महीने का? 5 के ऊपर 2 जीरो, 500, 2 महीने का लाइट का बिल तेरी माँ का पति देगा? घर में चाय नहीं ला सकता, वो क्या लाइट का बिल भरेगा? अरे वो तो ये बच्चों के देख कर मुझे लगा कि आप लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैंने रहने के लिए जगह दी। केवल 2,000 एडवांस पर, और तुम मेरे सर पर डिस्को करने लगे। डिस्को बस, फिनिश। कोई दया नहीं, कोई माफी नहीं। अब मुझे 5,000 एडवांस चाहिए। ये करने से काम नहीं चलेगा। जो 5,000 रुपया देगा
वो यहाँ रहेगा, जो नहीं देगा वो जाए, जाके भिक्षा मांगे भिक्षा। ऑटो रुक,